नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। सभी इंटरनेशनल सीरीज भारत की अब खत्म हो चुकी हैं और अब बारी है क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ इंडियन प्रीमियर लीग 2019। आईपीएल 2019 की शुरुआत 23 मार्च से हो रही है, जिसमें पहला मुकाबला तो चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा, लेकिन उसके अगले दिन डबल साइडेड मुकाबले हैं। और जो सबसे बड़े मुकाबले की हम बात करने वाले हैं वो है मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ, दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से आप सभी जानते हैं इस टीम को, लेकिन अब इस टीम का नाम जो है वो दिल्ली कैपिटल्स हो गया है। काफ़ी ख़तरनाक टीम है दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस खिलाड़ी के बारे में जो मुंबई के साथ इस बार जुड़ा है अपनी बेस प्राइस में, और उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्रिकेट फैंस की, हमारी उम्मीदें और साथ ही विश्व कप की उम्मीदें भी इसी खिलाड़ी पर टिकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के शानदार ऑलराउंडर और दो विश्व कप जिता चुके युवराज सिंह की। युवराज सिंह की खबर हमने इतने महीनों से की है और ज़्यादातर लोगों का यही कहना था, हमारे नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के व्यूवर्स भी यही कहते थे कि युवराज सिंह की वापसी होनी चाहिए टीम इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं युवराज ने भी डिसअपॉइंट हमें किया है क्योंकि प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। इवन जब ऑक्शन हो रहे थे तो उस टाइम कोई इनको लेने के लिए भी तैयार नहीं था। जो इनकी बेस प्राइस थी उस पर मुंबई इंडियंस ने इनको ख़रीदा है दूसरे आखिरी स्लैब में। उसके बाद आकाश अंबानी ने साफ तौर पर ये कहा था कि वी हैव बिन वॉन्टिंग यू वी फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी अगर हमारी टीम में जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रदर्शन हमारी टीम से निकल कर सामने आएगा। फिलहाल युवराज के लिए जो बड़ा एडवांटेज है मुंबई इंडियंस में आने के बाद कि युवराज के पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम है जहां से वो प्रदर्शन कर सकते हैं, प्लस जो हमने चेन्नई सुपर किंग्स की जो पहले प्रोग्राम में बात की थी, अब मुंबई इंडियंस में भी कुछ यही हाल है। मुंबई इंडियंस की टीम भी जो है वो सितारों से सजी टीम है, ऑलराउंडर्स की टीम है। अब अंबानी की टीम हो और वो खतरनाक ना हो ये तो हम मान ही नहीं सकते, और जिस टीम के मेंटर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हों उनको आप कभी कम नहीं आंक सकते। रोहित शर्मा टीम इंडिया के उपकप्तान और मुंबई इंडियंस के कप्तान, इस बार जो बड़ी खबर है वो ये है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आईपीएल सीजन 2019 में, क्योंकि रोहित का जो रिकॉर्ड है वो नंबर 4 पर उतना अच्छा नहीं रहा है। जिस तरह से वो ओपन करते हैं, जिस तरह उनका रिकॉर्ड ओपन में अच्छा है, पिछला एक साल भी उनका बहुत अच्छा गया था ओपन करते हुए, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से अब इस बार मुंबई इंडियंस ओपन करवाएगी। ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी पहले ही क्लियर कर चुकी है। अब क्या मुंबई इंडियंस में मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 के लिए युवराज सिंह का विकल्प सही है, क्योंकि कायरन पोलार्ड भी इस टीम में है, हार्दिक पांड्या भी इस टीम में है, प्लस इरविन लेइस भी इस टीम में है, तो लुईस और रोहित शर्मा यहाँ पर ओपन करेंगे ये बात तय है। 3 नंबर ईशान किशन खेल सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के चेले कहे जाते हैं ये, और जिस तरह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रदर्शन रहा है ईशान किशन का, हम बिल्कुल ये मान सकते हैं कि ईशान किशन डिजर्विंग है। पिछले सीजन में भी आईपीएल में भी मुंबई के लिए उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। ऋषभ पंत को एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं ईशान किशन। 4 नंबर पर युवराज सिंह भी खेलेंगे, और युवराज सिंह जब हाल ही में मैं अभी उनकी फुटेज देख रहा था, एक बेहतरीन निर्णय में नज़र आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने फॉलो किया। पहली बार युवराज सिंह को, अब तक जितने बचपन से मैंने क्रिकेट देखा है, पहली बार युवराज सिंह को मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर शॉट वो खेल रहे हैं, और जिस तरह से टाइमिंग है, क्योंकि उनका बैट स्विंग काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था, तो युवराज को भी ये बात पता है कि अगर उनको अपना करियर एक सही नोट पर एंड करना है, उन्होंने भी ये बात कही थी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर एक बेहतरीन नोट पर एंड हो और मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। हालांकि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि वो एक अपनी अलग लय में चले जा रहे हैं, लेकिन जब खिलाड़ी प्रदर्शन करके मजबूर करता है सामने वाले को तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो युवराज सिंह के आने से मुंबई इंडियंस तो मजबूत हुई है, साथ ही उन लोगों की भी उम्मीदें अब जाग चुकी हैं कि युवराज वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उस दिन जब ऑक्शन हो रहे थे कुछ महीनों पहले, तो ऑक्शन के दिन ऐसा लगा कि यार युवराज सिंह को कोई खरीदार नहीं मिलेगा, अनसोल्ड रह गए थे आखिरी मोमेंट तक, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन पर दाव लगाया। अब पुराने चावल तो हैं ही और T20 फॉर्मेट के सरताज भी कहे जाते हैं, ऐसे में युवराज सिंह का टीम में होना बड़ा ज़रूरी है। अगर युवराज की परफॉर्मेंस यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होना है वो 26 अप्रैल को होना था, लेकिन अब वो डेट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, ये एनएसके प्रसाद क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि भारत के पास भारत की टीम तैयार नहीं है ये अब टीम मैनेजमेंट भी जान चुका है। तो आईपीएल से कुछ खिलाड़ी निकल कर आएंगे, भले चाहे कितना भी कह रहे हो एनएसके प्रसाद, इवन विराट कोहली भी कह रहे हैं कि आईपीएल कोई मानक नहीं होगा, लेकिन आईपीएल ही एक ऐसा मानक है जहाँ से आप वर्ल्ड कप की टीम बना सकते हैं। अगर आप देखें
युवराज सिंह को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह से लाया गया था, हालांकि उस दौरान सिलेक्टर्स कोई और थे, लेकिन अब टीम को अगर आपको बिल्ड करना है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में युवराज का प्रदर्शन अच्छा है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। युवराज की अगर परफॉर्मेंस आती है मुंबई इंडियंस के लिए तो एक बड़ा एडवांटेज है मुंबई इंडियंस के लिए, और अगर युवराज परफॉर्म कर डालते हैं या फिर थोड़े बहुत भी मैचेस में उन्होंने लंबे एक आधी लंबी पारी खेल दिया, शतक वतक जड़ दिया, तो फिर यहाँ पर चांसेस हैं। साथ ही दूसरी तरफ सुरेश रैना पर भी नज़रें होंगी कि सुरेश रैना, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दिन पर अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। ये चीज़, ये क्वालिटी अंबती रायडू में नहीं है, ये क्वालिटी केदार जाधव में नहीं है, तो इन खिलाड़ियों को मैच खत्म करना आता है, और जो खिलाड़ी जिस खिलाड़ी में मैच खत्म करने की क्षमता हो उस खिलाड़ी को आप कभी कम नहीं आँक सकते। अब देखना होगा कि किस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़े खिलाड़ी बनते हैं युवराज सिंह, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने शानदार स्वागत किया है। अब यूवी मुंबई में आला रहे तो अब किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन होगा ये भी बहुत दिलचस्प होने वाला है देखना। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, आपकी क्या राय है कि युवराज सिंह इस बार धमाल मचाएंगे या नहीं मचाएंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं, और हाँ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।